नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिजनेस मॉडल। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि बिजनेस मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस मॉडल होता क्या है। देखिए, बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो बिजनेस मॉडल एक डिस्क्रिप्शन है आपके बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, यानी कि आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे मार्केट से, इस चीज का डिस्क्रिप्शन बिजनेस मॉडल में रहता है। बिजनेस मॉडल के थ्रू ये पता चलेगा। दूसरी चीज, आप कस्टमर को क्या वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं। आप वैल्यू एडिशन जब तक देंगे नहीं, तब तक कस्टमर आपको पेमेंट करेगा नहीं। ये सारा चीज तय होता है आपके बिजनेस मॉडल पे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 7 तरीके का बिजनेस मॉडल। सो सबसे पहले क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? नाम से क्लियर है, क्राउड सोर्सिंग यानी ऐसा बिजनेस मॉडल जो क्राउड के सोर्स का कारण बने। एग्जाम्पल, यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बिलियंस ऑफ लोग आते हैं यहाँ पे, और ये एक क्राउड जनरेट करने वाला ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा माध्यम बना हुआ। आप इससे कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे? दो तरीका हो सकता है। सबसे पहला तरीका है इसमें एडवर्टाइजमेंट का, जो कि आज के डेट में जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, आप उसमें किसी ना किसी वे में एडवर्टाइजमेंट से ही पैसे कमाते हैं। और दूसरा हो गया इसमें आप प्रीमियम देकर। YouTube में भी आपने देखा होगा इस टाइप का उन्होंने किया। सेकेंड हो गया फ्रेंचाइजी। किसी भी बिजनेस का अगर एक्सपेंशन पॉलिसी की मैं बात करूं तो फ्रेंचाइजी उसमें नंबर वन पे आता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का ऑफलाइन बिजनेस भी है तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हैं। फायदे क्या है फ्रेंचाइजी के? आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस का एक्सपेंशन मिल गया। दूसरी बात, आपको बहुत ही आसानी से काफ़ी अच्छे लेवल के इसमें पार्टनर्स मिल गए। तीसरी बात, वो आपके लिए काम करेंगे और आपको रॉयल्टी पेमेंट करेंगे, यानी कि बहुत ही कम मेहनत में आप अपने ब्रांड का फ्रेंचाइजी देकर एक शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा हो गया इसमें लो टच। लो टच बिजनेस मॉडल में दो चीज खास चीज है। सबसे पहला, एक तो बहुत ज्यादा इसमें सर्विसेस नहीं होता, बहुत ही मिनिमम सर्विसेस होते हैं। ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा होता है और ये काफी लो प्राइसेस में अवेलेबल होता है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज के डेट में आइकिया। आइकिया से अगर आप फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो जितना लोएस्ट रेंज में वो प्रोवाइड करा सकता है और किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है इसमें फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। देखिए, फ्रीमियम का मतलब हुआ कि आप अपने प्रोडक्ट, आप अपने सर्विसेज का कुछ पार्ट लोगों को फ्री में दे रहे हैं और रेस्ट ऑफ द चीजों के लिए चार्ज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया का वेबसाइट है जहां पे आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप आराम से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आपको जॉब चाहिए होगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल वेबसाइट है, जॉब के लिए आपको अपने अकाउंट को प्रीमियम में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, फेसबुक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, फेसबुक एकदम टोटल फ्री है। सो फेसबुक प्रीमियम अभी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल हो गया इसमें हमारा मार्केट प्लेस, यानी कि आप अपने बिजनेस के माध्यम से एक मार्केट प्लेस जनरेट कर दीजिए। इसका सबसे बड़ा इंडिया में एग्जांपल है जस्ट डायल, और सेकेंड नंबर पे इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है। इंडिया मार्ट पर आप देखेंगे कि वेरियस प्रकार के सामान आपको उपलब्ध हैं। वो होलसेल में मिलते हैं, मैन्युफैक्चरर वहां पे लिस्टेड है, और ये बिल्कुल भी अमेजोन जैसा नहीं। अंतर समझिए, अमेजोन डिलीवरी करवाती है लेकिन जस्ट डायल और इंडिया मार्ट में कोई प्रकार का डिलीवरी नहीं होता। वहां पर सेलर आया, बायर आया, ये दोनों बायर और सेलर आपस में इंटरेक्शन करके सामान ले जाते हैं, और इसके बदले में जो इंडिया मार्ट है वो सेलर से एक फिक्स्ड अमाउंट वो चार्ज करती है, वो मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर उनका चार्ज होता है। ये हुआ मार्केट प्लेस। नेक्स्ट हो गया इसमें आपका रेजर एंड ब्लेड। नाम से ही स्पष्ट है इस बिजनेस मॉडल का यूज रेजर की कंपनी वालों ने बहुत किया। इसका एकदम सिंपल सा फंडा है, एक ऐसा प्रोडक्ट आपको लेकर आना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं, जिलेट का जो रेजर होता है ये एक प्रोडक्ट है। अब इस जिलेट के रेजर का वेरियस मॉडल इन्होंने लेकर आया। सबसे पहला ये लेकर आए थे कभी जिलेट का वेक्टर जो बहुत फेमस हुआ था, अब लेकर आते हैं जिलेट का गार्ड। वेरियस टाइप के मॉडल्स इन्होंने मार्केट में ला दिए। अब ये बेचते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहला इन्होंने रेजर दिया सस्ते दामों में, आपने रेजर खरीद लिया, लेकिन जब ब्लेड की बारी आई वो महंगा हो गया। जिलेट वेक्टर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जिलेट वेक्टर का जो ब्लेड है वो कॉस्टली आता है, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपने जिलेट का रेजर लिया है
तो ब्लेड आपको जिलेट का ही यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप विल्किंसन 7 o'clock इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड इसमें एक एग्जाम्पल है इंकजेट प्रिंटर। जितने भी कंपनीज है जैसे कैनन हो गया आपका, इन लोगों का भी सेम कंसेप्ट है, प्रिंटर बहुत सस्ते दामों पे मिलेगा आपको, लेकिन जब आप इसकी रिफिलिंग करवाने जाएंगे वो कॉस्टली होता है और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आप अगर उस कंपनी के अलावा किसी और का आपने यूज़ किया तो वो यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि उसका सॉकेट ही वैसा है। आपको कस्टमर को अपने सिस्टम में लेकर आना है और एक बार जब वो सिस्टम में आ गया तो वो प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि आपने उसकी लत लगवा दी। लास्ट हो गया इसमें हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, नाम से स्पष्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको नेटफ्लिक्स, सेकेंड नंबर पे अमेजॉन, थर्ड नंबर पे डिज्नी हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब लोगों ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को अपना लिया है। यूट्यूब ने भी बहुत भरपूर कोशिश की अपनाने की, बट कायदे से देखा जाए तो वो सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यूट्यूब एक क्राउड सोर्सिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर वो संभव ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का कोई भी कंटेंट प्रीमियम बिल्कुल नहीं होता है। नेटफ्लिक्स की हम बात करते हैं, इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आज के डेट में रेवेन्यू जनरेट किया है तो वो नेटफ्लिक्स। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, लोगों को साइनअप फ्री में करा दीजिए, उनको वेरियस टाइप के ऑप्शन दिखला दीजिए। जैसे नेटफ्लिक्स में आप ओपन करेंगे, मूवीज हो गया, वेब सीरीज हो गया, बहुत टाइप की मूवीज आपको दिखेंगे, बहुत टाइप के वेब सीरीज दिखेंगे और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपको लगेगा ना ले ही लेते हैं आज, क्या दिक्कत है। और इसी केस में आप जाके सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे और वो महीने महीने आपसे सब्सक्रिप्शन को चार्ज करते रहेंगे। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये पहले भी चलता था, पहले चलता था मैगजीन्स में, एग्जाम्पल आपको टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, आउटलुक हो गया, पेपरों में भी पहले चलता था, आज के डेट में तो पेपर किसी ने लेना नहीं है। तो ये मॉडल बेसिकली अब ऑनलाइन सर्विसेज में ज़्यादा आ गया, कुछ लेके जाओ। इन सारे बिजनेस मॉडल को देखने के बाद आप एक चीज़ तय कर सकते हैं, कभी भी बिजनेस आइडिया को अगर आपने स्टार्ट करना, अगर आप सोच रहे हैं, तो पहले आप सोचिए कि आपका जो बिजनेस है वो किस मॉडल में सूट कर रहा है। मैं बताऊं, इसके अलावा भी सैकड़ों बिजनेस मॉडल हैं अवेलेबल, लेकिन मैंने 7 मेजर बताए हैं, तो आप उस चीज़ को देखिए किस में फॉल कर रहा है, और जिस भी बिजनेस मॉडल में फॉल कर रहा है आप उसके फीचर्स को समझिए, वो कैसे वर्क करता है, और उस चीज़ को आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।